चलिए दोस्तों, आज मैं अलजबरा का चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है। इससे जो इससे पहले जो मैं तीन पार्ट को पढ़ाए हैं उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्या पढ़ाए थे इससे पहले, ठीक है। तो चलिए तीसरा पार्ट में जो पढ़ाए थे उसको देखते हैं आज, उसके बाद हम नया टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले क्या हम लोग पढ़े थे कि पावर जैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था बराबर यहाँ पर एम था, तो फाइंड हमको क्या करना था, फाइंड हमको करना था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हमको निकालना था। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला बनाए थे कि इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाए थे क्या कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस वाला है पावर क्या हो डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो वन है, यहाँ पे भी क्या है वन है, देखिए तो यहाँ पर पावर डबल हो रहा है, एक का डबल दो हो रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, तो इसके लिए अपने लोग क्या फार्मूला बनाए थे, सिद्ध किए थे एम स्क्वायर प्लस टू, यह ट्रिक अपने लोग बनाए थे, ठीक है, यह ट्रिक अपने लोग बनाए थे। दूसरा क्या था कि जैसे कि एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन यार सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस वाले के लिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस होगा, ठीक है। जैसे कि वन अपॉन एक्स बराबर यहाँ पे भी एम था, हमको फाइंड करना था, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, इसके लिए मैं अपने लोग फार्मूला सिद्ध कर रहे थे। देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो पावर डबल हो रहा है तो इसके लिए फार्मूला अपना लोग क्या बनाए थे, ट्रिक क्या बनाए थे कि जैसे यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस टू। यदि आप लोग यह वीडियो नहीं देखे इससे पहले वाला तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर से कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या लेते हैं, रूट थ्री लेते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो एम स्क्वायर माइनस टू, यह फार्मूला इस पर लागू होगा, तो ठीक है चलिए इस फार्मूला को लागू करते हैं। क्या निकालना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हम कौन से फार्मूला से निकालेंगे, यही फार्मूला से, तो क्या रूट थ्री का एम की जगह क्या है रूट थ्री है, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वाला है तो माइनस, फार्मूला क्या है कौन से चीज़ में होगा तो माइनस होगा, तो माइनस दो कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस टू, तो रूट थ्री का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो आपको क्या बचा यहाँ पे सिंपल से क्या बच गया, थ्री, थ्री में से दो गया वन, इसका राइट आंसर कितना आ गया वन आ गया आपका, ठीक है। तो चलिए इसी सवाल को एक बार माइनस वाले को लेकर के बनाते हैं, ठीक है, इसी सवाल को माइनस वाले पर लेकर के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाले को लेकर के एक बार बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेम वे फंडा, देखिए इसमें दो नंबर का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस टू का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना निकालना है, एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला है तो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस टू, तो एम की जगह कितना है आपका, एम की जगह कितना है रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस दो, ठीक है। रूट थ्री रूट रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है कट जाता है, तो आपको यहाँ क्या बच गया थ्री प्लस टू, इधर राइट आंसर कितना हो गया फाइव, ठीक है। तो चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को यह दो नियम में कोई नियम किसी में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं अलजेब्रा में, कुछ नया सा नियम को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए वो कौन सा नया नियम है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग यह भी तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे x प्लस वन अपन एक्स बराबर एम दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, तो हमको अगर ऐसा सवाल ना दे करके हमको ऐसा सवाल ले दिया तब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग का कहने का मतलब हो जाएगा कि भाई वन, जैसे कि यहाँ पे पावर सिंगल है तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है डबल हो रहा है, यदि आपको पावर डबल कर दिया पूछ देगा कि सिंगल में क्या होगा तो इसका आंसर बताइए, तो इसके लिए अपना लोग एक फार्मूला को फिर से फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग का सवाल ऐसे भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए यहाँ पे दो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो है, तो आपको क्या कहेगा फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो आप तो कहेंगे सर हम तो पढ़े हैं कि जैसे कि पावर सिंगल था तो पावर डबल हो रहा है, तो उसके लिए एम स्क्वायर माइनस टू पढ़े थे, तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमको, यहाँ पे पावर डबल है यहाँ पे पावर हमको सिंगल पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चलिए इसके लिए एक फार्मूला को फिर से अपना लोग एक ट्रिक का निर्माण करते हैं। देखिए वो ट्रिक कैसे बनता है, ठीक है, उस ट्रिक के बारे में अपने लोग जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इस फार्मूला को उस ट्रिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, तब तक इसको रहने दीजिए,
चलिए उस ट्रिक को सॉल्व करते हैं, किसी वो ट्रिक का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलिए उस फार्मूला को सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करके अपना लोग एक ट्रिक का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए उस फार्मूला को सिद्ध करके एक ट्रिक का निर्माण करते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमको, देखिए तो हमको फाइंड करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को निकालना है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, दोनों साइड हमको क्या करना है, दो ऐड कर देना है। क्या कर देना है, दोनों साइड हमको दो ऐड कर देना है, एक्स से एक्स से गुना भी कर देंगे, एक्स से भागा भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो रूट में चला जाएगा, हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड टू ऐड, ठीक है। तो बोथ साइड हम क्या करते हैं, टू ऐड कर देते हैं। देखिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर यह क्या हो गया, एम प्लस टू, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका एम प्लस टू। तो क्या क्यों क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम क्या किए हैं, दो को ऐड कर दिए। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ कर देंगे तो अपना एक ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या फार्मूला बन जाएगा कि एक्स को हम गुना भी कर देंगे, एक्स को हम क्या कर देंगे, भागा भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अपना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या अपना लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्स से गुना करने और भाग करने से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या करेगा एक्स एक्स से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम क्या किए, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं किए, क्या किए, दोनों साइड हम क्या किए, दो को ऐड कर दिए, दोनों साइड हम क्या किए, दो को जोड़ दिए, और क्या किए, एक्स से गुना भी कर दिए, एक्स से भागा भी कर दिए। या क्यों किए, क्योंकि हमको क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हमको यह क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे वन बटे एक्स के ही होल स्क्वायर है, तो हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बटे एक्स स्क्वायर, तो इसे आप एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, ठीक है। तो इसको वन अपन एक्स स्क्वायर के बारे में इससे पहले भी बताए थे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका होल वन अपन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसी को लिखिएगा तब क्या होगा, वन बटे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे को वन अपन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको हम पूरा लिख देते, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स का, हाँ तो ये क्या बन गया अपना एक्स, यह आपका क्या बन गया, एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बन गया यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर यह क्या हो गया, एम प्लस टू, क्या हो गया एम प्लस टू। आप इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो देखिए तो यह आपका क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको एक्स प्लस वन अपन एक्स निकल जाएगा यहाँ से ट्रिक अपना, ठीक है। कैसे ट्रिक का निर्माण होता है, यहाँ से अपना लोग का ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, तो हम क्या क्या करना है, स्क्वायर को उस साइड भेज देना है, ठीक है। स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट साइड जाए, स्क्वायर बराबर को उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, तो रूट में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एम प्लस टू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एम प्लस टू। तो अपना लोग का यह एक ट्रिक का निर्माण हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये अपना लोग क्या क्या बन गया, एक ट्रिक बन गया, ठीक है। इस ट्रिक से हम उस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस सवाल को करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, दो को ऐड कर दिए यहाँ पे, देखिए दोनों साइड क्या किए, दो ऐड किए हैं, और एक्स को गुना भी कर दिया, एक्स को भागा भी कर दिए, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन गया, एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर के स्क्वायर को उस साइड बजे रूट में आ गया। तो अपना ये ट्रिक यह बन गया। तो हमको इस साइड का सवाल लेगा तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, रूट हंड्रेड एम प्लस टू कर देना है, ठीक है। इसमें प्लस वाले के लिए ही प्लस ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सवाल को लेते हैं, इस चलिए अपना लोग का सवाल क्या कैसा रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दो दे दिया, आपको फाइंड क्या करने के लिए बोलेगा, फाइंड एक्स प्लस वन अपॉन
एक्स बराबर आपको निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे अपना लोग को, क्या निकालना है एक्स प्लस वन अपन एक्स अपना लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है चलिए निकालते हैं। एक्स प्लस वन अपन एक्स के लिए क्या अपना लोग एक ट्रिक का निर्माण किए थे, रूट अंडर एम प्लस टू। क्या अपना लोग इसका निर्माण किए थे, रूट अंडर एम प्लस टू। तो आप कह सकते हैं एम की जगह कितना है, एम की जगह कितना है दो और प्लस का या टू, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर फोर। क्या हो गया आपका रूट अंडर दो जोड़ दो कितना होता है फोर। तो आपका फोर का पेयर की जगह कितना हो जाएगा, फोर को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू, दो का पेयर होता है क्या निकल जाता तो आपका आंसर क्या निकल गया, राइट आंसर दो निकल गया। ठीक है जहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है तो चलिए एक बार माइनस का भी लेकर के चलते हैं। इससे पहले दो तीन सवाल इस पर कर लेते उसके बाद माइनस का लेकर के करेंगे। ठीक है जैसे कि आप लोगों को पूछती है एक्स के पावर एट प्लस वन अपॉन एक्स के पावर एट बराबर मान लीजिए आपको दे दिया फोर। ठीक है क्या दे दिया आपको फोर दे दिया। तो आपको पूछेगा फाइंड पूछेगा, यदि कि आपको पूछेगा कि हमको निकाल दीजिए एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर बराबर क्या होगा ये हमको बताइए। ठीक है तो आपको पूछेगा कि जो यहाँ पे पावर डबल है यहाँ पे पावर क्या हो रहा आधा हो रहा है तो इसका मतलब बताइए इसके आगे क्या होगा। ठीक है तो आपका ये वैल्यू पूछेगा। ठीक है जैसे कि यहाँ पे x के पावर 4 प्लस वन अपॉन x के पावर कितना आ गया 4। ठीक है x के पावर 4 प्लस एक्स वन अपॉन x के पावर 4 हमको निकालना है तो हमके क्या पढ़े थे पावर आधा हो रहा है तो उसके लिए हम क्या पढ़े थे रूट अंडर एम प्लस टू। तो m की जगह कितना है रूट अंडर m की जगह कितना है यहाँ पे m की जगह कितना है यहाँ पे m की जगह यहाँ पे 4 है और दो तो फॉर्मूला सही है। ठीक है तो क्या आ गया आपका रूट अंडर 6 आंसर हो गया। क्या हो गया आपका रूट अंडर यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 आंसर हो गया। चलिए इस पे और ऐसे सवाल लेकर के करते हैं इसके बाद हम लोग माइनस वाला समझेंगे। ठीक है आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि दिक्कत हो तो आप लोग अच्छे से कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम नहीं समझे तो वहाँ से मैं फिर से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है जैसे कि एक्स के पावर यहाँ पर कितना है 500 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर कितना है 500 बराबर आपको दे दिया क्या 20। तो आपको फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि एक्स के पावर 250 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर कितना एक्स के पावर वही 250 आपको पूछ देगा क्या होगा एक्स के पावर 500 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 500 बराबर 20 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के पावर इसका आधा यानी कि 250 प्लस वन अपन एक्स के पावर 250 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए अपना लोग क्या फार्मूला पढ़े थे कि जब भी पावर दो गुना से आधा हो रहा है तो उसको उसके लिए क्या पढ़े थे रूट अंडर एम प्लस टू। तो एम की जगह कितना है आपका 20। तो चलिए आपको अपना लोग क्या निकालना है एक्स के पावर 250 प्लस वन अपन एक्स के पावर 250। ठीक है एक्स के पावर 250 प्लस वन अपन एक्स के पावर 250 बराबर क्या पढ़े थे अपना लोग फार्मूला ट्रिक बनाए थे तो एम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टू। तो एम की जगह कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम की जगह कितना है 20 प्लस टू। तो यह क्या हो गया 22 यानी कि 22 हो गया। ठीक है तो आपके इसका आंसर कितना निकल गया 22 निकल गया। ठीक है रूट अंडर आपका यह 22 हो गया। तो चलिए इसी प्रकार एक और सवाल लेकर के देखते हैं उसके बाद आप लोग तो इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे। ठीक है चलिए एक्स की पावर मान लीजिए 10,000 है कितना 10,000। ठीक है प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 10,000। ठीक है बराबर दे दिया आपको दे दिया यहाँ पे 10। तो आपको फाइंड कहेगा करने के लिए आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि एक्स के पावर 5,000 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 5,000 बराबर क्या होगा। ठीक है तो पूछ देगा आपको एक्स के पावर 5,000 क्या होगा यानी कि यहाँ पे पावर डबल है तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा पूछ देगा क्या होगा। ठीक है तो आप तो यह इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पावर सिंगल से डबल हो रहा तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला एम स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पे क्या हो रहा है पावर डबल से आधा हो रहा है तो उसके लिए अपने लोग क्या फार्मूला को बनाए हैं एम स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टू। ठीक है तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है तो चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या फार्मूला बनाए थे एक्स के पावर एक्स के पावर 5,000 अपन वन अपॉन एक्स के पावर 5,000 बराबर क्या फार्मूला बनाए थे रूट अंडर एम प्लस टू। तो अपना एम की जगह कितना है 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 प्लस टू कितना हो गया आपका 12 रूट अंडर
ट्वेल्व क्या हो गया आपका, या इसका 12 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे आपको पावर कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन यहाँ पे आपको आधा ही देगा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे आपका पावर 10,000 है, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे पावर 5,000 रहेगा। यहाँ पे 5 लाख रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग को 2.5 लाख रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे के फॉर्मूला को फिर से एक ट्राइव करते हैं, उसको फिर बताते हैं माइनस वाले के लिए कैसे होता है। चलिए माइनस वाले के लिए एक ड्राइव करके देखते हैं और उसको भी अपना लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फार्मूला अपना क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे देगा क्या। फार्मूला को पहले ड्राइव करते हैं, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एम दे देते हैं, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपको निकालना है। यहाँ पे फार्मूला देखिए ऐसे आपको, ऐसे यहाँ पे आपको कुछ दे देगा, दो चार कुछ आपको पूछेगा कि x में शून्य अपन x बराबर क्या है, आपको यह निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको क्या करना है, दोनों साइड माइनस है, तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे यह करना है कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, दो को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों साइड हम दो को माइनस कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, x को भी गुना कर देंगे और x से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, x a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए तो हमको क्या करना है, दो दोनों साइड बोथ साइड क्या करना है, हमको बोथ साइड माइनस टू करना है। ठीक है, बोथ साइड क्या करना है, माइनस टू कर देना है। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस टू बराबर एम माइनस टू। ठीक है, दोनों साइड क्या किया, माइनस टू कर दिए। ठीक है, दोनों साइड क्या किया, माइनस टू कर दिए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्स से गुना भी कर दिए और एक्स से भाग भी कर दिए। ठीक है, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक्स से हम क्या किए, एक्स से गुना भी कर दिए, एक्स से क्या कर दिए, हम भाग भी कर देंगे। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए तो यह क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो आपको यह क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर m माइनस टू। ठीक है, तो स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा तो आपको क्या, किस चीज़ में चला जाएगा, यह आपका रूट में चला जाएगा। तो ठीक है, आप लोग यह जानते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम माइनस टू। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रिक बन गया कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया, एम माइनस टू, आपका यह ट्रिक बन गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल हम क्या किए, माइनस दो की क्या किए, दोनों साइड कर दिए, दोनों साइड हम क्या कर दिए, माइनस दो कर दिए, ताकि हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर को साइड भेजेंगे हमको रूट में मेरा ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का सवाल लगा तो हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस टाइप का सवाल लगा तो हम डायरेक्ट क्या ट्रिक यूज करेंगे, रूट अंडर एम माइनस टू। ठीक है, तो चलिए इस पर एक दो सवाल करके देखते हैं। प्लस वाले के लिए अपना क्या प्राप्त हुआ था, प्लस वाले के लिए अपना क्या प्राप्त हुआ था, रूट अंडर एम प्लस टू। इसमें प्लस वाले के लिए प्लस ही होगा, माइनस वाले के लिए माइनस ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ ले लेते हैं सवाल की ओर, यहाँ पे चार ही ले लेते हैं, यहाँ पे चार ले लेते हैं, यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमको निकालना है, माइनस वाले के लिए क्या पढ़े थे, तो रूट अंडर फोर, रूट अंडर एम माइनस टू पढ़े थे, तो एम की जगह कितना है, चार में से दो गया, रूट अंडर दो इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार एक और सवाल को करते हैं, जैसे कि एक्स के पावर 200 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 200 बराबर, फाइंड क्या करना हमको, बराबर कुछ दे देते हैं, यानी कि 40 ही ले लीजिए कितना 40, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के पावर यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे क्या लेना है, आधा हो रहा ना, आधा हो रहा होगा ना कहीं ना कहीं, एक्स के पावर 100 माइनस वन अपॉन एक्स के पावर 100 बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स के पावर 200 है तो यहाँ पे क्या हो रहा, आधा हो रहा है, 100 माइनस वन अपॉन एक्स के पावर 100 बराबर क्या, फार्मूला को ड्राइव किए थे, रूट अंडर एम माइनस टू,
क्या किए थे माइनस वाले के लिए रूट अंडर एम माइनस टू, तो एम के जगह कितना है 40 में से कितना गया, दो गया तो क्या गया रूट अंडर 38। इसी प्रकार आप लोग को बहुत सारे सवाल मिलेगा, तो पावर यहाँ पे दो गुना रहेगा, यहाँ पे पावर सिंगल रहेगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको डायरेक्ट रूट अंडर एम माइनस टू का प्रयोग करके सवाल बना सकते हैं। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताएं सब इस कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत सारे भी है, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छा से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आप लोग का आई होप यह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छा समझ आए, ठीक है। तो चलिए।